Hi, people, how are you? And uh, welcome back. And sorry, sorry, sorry for not keeping up my promise of appearing twice a week. And instead, I was just there twice a month. Like that was bad. And exactly something related to this will be our today's topic that is the relevance of resolutions and why a resolution should or should not be done. And how can we do it probably to start this new year? with something that we can really fulfill right so let's start with that now what happens generally is when a new year resolution is made we are very excited and we are very like full form mein hai. Chalo, let's do this let's do that and what is so important with the new year so basically if you know how this new year's are so you know in every custom in every tradition uh, wherever there is a new year you know before that uh, we, we clean our houses we arrange we get we, we bring new things before the new year because we want something new so human mind you know human nature is you know uh, it you no know, hates monotony we hate the same things uh, again and again at the same time we are even scared of change but we like the subtle change we know the changes with a slow and better we wouldn't like a drastic change. Like tomorrow, someone tells me that, okay, you know, why don't you just. So, even if it's a very lucrative offer, that, you know, somebody tells me, why don't you shift to this place? It's in a luxurious penthouse with whatever facilities. It will be very tempting, very, very lucrative.

For your own uh, health and happiness, uh, we know what is exactly to be done. But we don't want to do it because we think I can't change, you know, it's not easy. And many times it's our ego which blocks that change. So, how do you do this? You know, because we change in hair life. In fact, every day we are definitely changing, but we don't realize that we know how we are changing. So, that is the reason, of course, I'm not going to deviate from the topic. But जब हम मैं लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि अपने सिर्फ अपने ऊपर थोड़ी सी नज़र रखना ज़रूरी होता है आई टेल दिस इन एवरी वीडियो इन डिफरेंट वेज कि एट द एंड ऑफ द डे जस्ट सिट एंड अंडरस्टैंड कि आज आपने क्या किया आपने किसी के साथ कैसे बात की आपने आपका बिहेवियर कैसा था इफ़ यू फेल्ट बैड अबाउट समथिंग तो क्यों आपको बुरा लगा और क्या ये वाकई में आपका नेचर है और ये करके डिड यू रियली फ़ील गुड अबाउट इट मतलब अगर आपको ये करके अच्छा नहीं लगा तो so, सी मैंने किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा मोल लिया आई वन द फाइट मैंने दूसरे वाले दूसरे सामने वाले इंसान को uh, कहते हैं ना कि आई रियली टॉट दैट पर्सनल लेसन मैंने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया अच्छे से मैंने आई पुट अप द फ़ाइट पर उसके बाद आपको अच्छा लगा या नहीं वाकई में अच्छा लगा या नहीं ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर नहीं अच्छा लगा तो दैट मीन्स कि आपने झगड़ा ईओ के लिए किया था ना ही क्योंकि आप सही थे तो ये वाली चीज़ अगर आप जान लेते हैं ऐसे ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ विच वी डोंट वॉन्ट टू पे अटेंशन टू सो पे अटेंशन एंड ओनली एंड ओनली यू कैन पे अटेंशन वेन यू रिफ्लेक्ट वेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू नो वॉट एग्जैक्टली यू डिड एंड हाउ यू आर एंड वॉट यू वॉन्ट एग्जैक्टली इन लाइफ सो माई होल पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज़ टू टेक यू टू अ डायरेक्शन वेर इन यू वॉन्ट टू रीच फाइनली इन लाइफ टू वो फाइनल गोल के लिए यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे

एंड यू हैव नो आइडिया यू नो कल आप बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे सिचुएशंस क्या होंगे हमें नहीं पता और ये अच्छी बात है यू नो सम्बड इज गोइंग टू जस्ट फील गुड अबाउट इट लाइक अगर कोई बुरी बात किसी को किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो प्लीज़ उसको हमेशा पो, पोस्टपोन कीजिए जैसे बहुत मन कर रहा है किसी को दो बातें सुनाने का तो वो होल्ड ऑन कीजिए कि नहीं आज नहीं कल सुनाती हूँ क्योंकि कल तक शायद आपका मन बदल जाए और आप उस आप वो इंसान को बुरा फील ना करवाए लेकिन अगर कोई अच्छी बात कहनी है तो हंड्रेड परसेंट तभी के तभी कर देना चाहिए क्योंकि आप नहीं जानते आपकी वो अच्छी बात से किसी और के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है किसी का मोरल बूस्ट हो सकता है समबड़ी कैन रियली फील सो गुड यू नो समबड़ी विल स्टार्ट गेटिंग मोटिवेटेड समबड़ी विल स्टार्ट लविंग दैम सेल्स ओनली बिकॉज यू सैंड यू लाइक दैम एंड ओनली बिकॉज यू पॉइंटेड आउट सर्टन ब्यूटिफुल थिंग्स अबाउट दैम सिमिलरली अपने ही लाइफ में अच्छे चेंजेस लाने के लिए अगर कुछ चीज़ें करनी जरूरी है इफ़ यू हैव टू रियली डू सम थिंग्स डू नॉट वेट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ जनवरी और से uh, you uh, know first of your uh, or the day your birthday is, but of course, these are the days which can really pump that energy into you that okay, I will do it because from 1st of January Naya Sal new so I will start doing it. So, ek wo, you know, calendar gives you that motivation, so use it and work it. Now, how to make resolution or it whether it, it is important or no? Making resolutions definitely important. Why? Because when you make a resolution.

ओवरबोर्ड कि मैं कल से दो घंटा आई विल वॉक आई एम गोट ईट कम्प्लीटली डायट फूड या एम गो टू स्टडी फॉर फोर आवर्स अ डे आ इट्स के नॉट हैपन जो इंसान आधे घंटे तक नहीं बैठ सकता है पढ़ने के लिए वो अचानक से कहेगा कि मैं चार घंटा कल से आई विल डू माई स्टडीज इट्स नॉट पॉसिबल सो डोंट डोंट मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ यू नो आप किसको उल्लू बना रहे हो अपने आप पी यू नो यूर प्लेइंग गेम्स विथ योर सेल्फ स्टॉप डूइंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट रादर वॉट वी कैन डू इज यू नो जस्ट स्टार्ट विथ द स्मॉल थिंग्स फॉर एग्जाम्पल बी कॉन्शियस सो द होल पॉइंट इज बींग कांशियस सो से इन दॉर्निंग जस्ट हैव योर गोल इन योर माइंड कि मुझे से आई वॉन्ट टू रिड्यूज़ माई वेट सो वेर आई एम मेकिंग माई टी वेर आई एम पुटिंग शुगर इन माई टी इफ आई एम पुटिंग वन टी स्पून ऑफ शुगर एवरी डे दैट डे आई पुट हाफ अ टी स्पून एंड आई एल स्टार्ट विद दैट नाउ आई डोंट वॉन्ट टू टॉर्चर माई सेल्फ सो मैं इकट्ठा अपना कंप्लीटली शुगर कट डाउन आई विल नॉट डू आई विल गो स्लो आई विल अकस्टम माई सेल्फ टू दैट टेस्ट एंड धीरे धीरे से आई विल फील कि चलो एंड अंडरस्टैंड दिस की यू विल नॉट सी द रिजल्ट इमीडिएटली क्योंकि हमें क्या लगता है कि अच्छा मैंने अपने आप को चार दिन टॉर्चर किया ना अब तो मेरा एक किलो वज़न कम हो जाएगा ऐसा नहीं होता आपने जो इतने सालों में वज़न पुटॉन किया है उसको कम होने में थोड़ा सा वक्त लगता है सिमिलरली वन यू नो इन साइकोलॉजिकली मेंटल इशूज़ के साथ लोग आते हैं मेरे पास उनको सबको पता होता है यू you नो know, उनको कौन क्या क्या, क्या चेंजेस करने हैं mm -hmm. लेकिन दे थिंक कि अरे मैं एक वीक से आई एम फॉलोइंग दिस टेक्निक अब तो मुझ में चेंज आना ही चाहिए मेरे रिलेशनशिप में चेंज आना चाहिए ऐसा नहीं होता इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम और राइट सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम क्योंकि यू हैव स्पॉइड समथिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने इतने साल लगाए हैं उस चीज़ को बिगाड़ने में अब उस चीज़ को सुधारने में आपको थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा इट इज़ लाइक यू there is no choice you have to do that correct so basically but be conscious be aware of what you're doing now like this was pertaining to food and studies and everything you know so when it comes to those other mental goals like you know uh, you want to earn so much so you know ki you can maybe have to do some extra work some freelancing a job career like a so how will you do so maybe two hours a day you are going to work for, for your freelancing project and then you are going to start you know uh, reaping the fruits of it like in pale dogan and then make, you know making calls to people or uh, maybe you know if you're an artist so maybe making your drawings or creating whatever you are creating so yes you know giving marketing that thing you know you have to spend time invest your time in these things so maybe just start with half an hour a day uh, towards that thing and maybe eventually increase it but you have to stick

i fail doing it on time because i don't you know i have not been strict with myself so not that i have to really torture myself because i don't like to do something when i'm not completely involved in it but uh, that also means that i'm just not

कि मुझे रिजल्ट चाहिए रिजल्ट चाहिए रिजल्ट चाहिए नहीं ऐसा नहीं होता बी ओके विद इट यू विल सी द रिजल्ट इन द ड्यू कॉज सो आई लीव यू विद दिस ट्राई स्टार्टिंग दिस न्यू ईयर विद अ न्यू स्टार्ट स्मॉल चेंज जस्ट फॉर वन डे गो टू द नेक्स्ट डे हैव अ रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन फॉर दैट डे तो हर दिन का एक बनाइए कि आज मैं आधे घंटे के लिए अपना काम करूंगी कल वापस आधे घंटे के लिए जब आधे घंटे से कंफर्टेबल हो जाओ देन गो टू मे बी फिफ्टीन मिनट्स मोर यू नो सो फोर्टी फाइव मिनट्स वॉट एवर सो ऐसे करके डायट के लिए सो एवरीथिंग जस्ट ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करो पहले अपने आप को उस चीज से खुश कर रखना सीखो सो बींगी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन यू विल डू इट मोर मो यू आर मोर मोटिवेटेड टू डू इट सो लेट्स डू दिस एंड प्लीज़ 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 पोस्ट मी आफ्टर whatever time that you uh, you know do this and follow this if you have uh, had any benefits out of it yeah and thank you for all the lovely comments uh, of people who have liked the videos and who uh, who keep appreciating me so thank you so much I kindly kindly share the videos also uh, put in uh, the comments uh, which can help me make myself uh, or the, make the videos better and uh, also uh, if you haven't subscribed to this video as yet or to my channel as yet, Please hit the subscription button. Thank you so much for everything. Wish you all a great, great, great 2022. And now I'll see you all in the next year. Thank you so much.